उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में इस वक्त चुनावी बयार बह रही है। पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशी तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उन्नाव जिले से सामने आया है। यहां के एक गांव में वोटरों को लुभाने के लिए उम्मीदवार ने 2 क्विंटल जलेबी और 1000 से भी अधिक समोसे तैयार करवाए थे। इन्हें गांव के लोगों के बीच बांटने की तैयारी चल ही रही थी कि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर इनका ये सारा खेल बिगाड़ दिया। यह मामला हसनगंज थाना क्षेत्र के पिछवाड़ा नामक गांव का है। यहां प्रधान पद के उम्मीदवार राजू मौर्य ने मतदाताओं को लुभाने के लिए काफी इंतजाम कर रखा था। गांव के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए राजू हलवाइयों से जलेबी और समोसा तैयार करवा रहा था। किसी तरह स्थानीय पुलिस के कान तक यह बात पहुँच गयी। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर आ धमकी। पुलिस को देख मौके पर अफरा तफरी मच गयी। पुलिस को यहां समोसे और जलेबी के अलावा बड़ी संख्या में पैकेट मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। पुलिस ने मौके से 2 क्विंटल जलेबी, 1050 के करीब पीस समोसे, मैदा, सिलेंडर, घी, बर्तन सहित अन्य सामानों को बरामद किया। साथ ही 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। थाना हसनगंज अंतर्गत ग्राम पिछवाड़ा में ग्राम प्रधान प्रत्याशी ने बिना कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा कर लिया था तथा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा था। इस बात की सूचना पा करके पुलिस वहाँ पहुंची और कोविड का पालन न करने का और आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत करके 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई की जा रही है, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। चुनावी सीजन है, हर एक प्रत्याशी वोटरों के दिल में जगह बनाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता है, लेकिन फिर कानून के हाथ भी तो लंबे हैं। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।